नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। भटवाड़ी सैंड में केदारनाथ व हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया गया। केदारनाथ सोवेनियर व हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में नवीन पहल है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रोथ सेंटर में स्थापित आधुनिक तकनीक में सफल प्रयोग से रोजगार सृजन में उम्मीद का पत्थर साबित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि केदारनाथ सोवेनियर ग्रोथ सेंटर के संचालन के लिए जागरूक स्वयं सहायता समूह परकंडी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए आईटीआई के कार्यदेशक भास्करानंद पुरोहित को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया है, जिनके द्वारा सीएनसी 3D लेजर कटिंग मशीनों में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने सिखाए जाएंगे। आज जिला उद्योग केंद्र रुद्रप्रयाग में जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन की पहल पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं के रोजगार को लेकर के जो ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे श्री गणेश हुआ है और स्थानीय जो महिलाएं हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं स्वयं जो महिला समूह हैं उनकी महिलाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा ये कार्यक्रम। तो मैं जिला उद्योग केंद्र को और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जिला अधिकारी महोदय मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी सभी लोगों को जो है शुभकामनाएँ देता हूँ और महिला समूहों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बेसिकली NRLM की जो महिलाएं हैं इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के तहत में ये धनराशि स्वीकृत हुई थी, उनके द्वारा कहीं पर भी पूरे क्षेत्र में केदारनाथ से लेकर के श्रीनगर तक कहीं भी देखा जाए तो कहीं पर भी इस तरह की कोई वस्तु जो विशिष्ट रूप से पर्यटक आकर के केदारनाथ की स्मृति के रूप में ले जाएँ ऐसी कोई स्थितियाँ यहाँ नहीं थी। इसके तहत में NRLM की महिलाओं को जोड़ते हुए इनोवेटिव प्रोजेक्ट के तहत में ये धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। उसके तहत में उद्योग केंद्र के सहयोग से और अन्य जो जिला प्रशासन के सहयोग से इस ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो यहाँ की प्रकृति की जो धरोहर हैं उनके फोटोग्राफ्स उनकी यादगारें पर्यटकों को आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी इस संबंध में और महिलाओं को स्थानीय रूप से रोज़गार भी मिल पाएगा और पर्यटक भी यहाँ से यहाँ की स्मृतियों के साथ अपने घर तक भी जा सकेंगे। उत्तराखंड खबर के लिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट।